अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी ये देखिए जी, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक कमाल की रेसिपी, जो कि है चने की दाल भुनी हुई। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, आप भी घर में ट्राई करें। तो आइए आज देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलें तो स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 2 अदद प्याज कटी हुई, 3 अदद टमाटर कटे हुए, 1/2 कप ऑयल का, 1/2 खाने के चम्मच में चाहिए धनिया पाउडर, 1/2 खाने के चम्मच में चाहिए गर्म मसाला पाउडर, 1/2 खाने के चम्मच में चाहिए मिर्ची पाउडर और हसब ज़रूरत नमक, 1/2 खाने के चम्मच में चाहिए अदरक पेस्ट और 1/2 खाने के चम्मच में चाहिए लहसुन पेस्ट, 1/2 खाने के चम्मच में चाहिए ज़ीरा और 1/2 से थोड़ा कम खाने के चम्मच में चाहिए मेथी, कसूरी मेथी जी। तो व्यूअर्स, उसके बाद हमें चाहिए 200 ग्राम दाल चने की जी। व्यूअर्स, सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, फ्लेम हमने ऑन कर लिया। अब हम इसके ऊपर रखेंगे बर्तन। ये देख लें जी, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 किलो पानी। ये देख लें, इसमें हमने 1/2 किलो पानी डालना है जी। तो व्यूअर्स, इसमें हमने पानी डाल दिया, अब ऊपर से हम ढाप देंगे बॉयल आने तक। ये देखें जी, ये देख लें, इस तरह से हमने दाल डाल लेनी है इसमें और इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लें। ये देखें जी, अब हम इसे ऊपर से ढांप देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारी दाल जो है ना वो बॉईल हो रही है। हमने बीच बीच में चेक करते रहना है कि ये ना हो ज़्यादा गल जाए, ठीक है। इसे हमने ऐसे ही चेक करते रहना है, ज़्यादा गली हुई ना हो और कच्ची भी ना हो। हमने इसे अच्छी तरह से पका जी। तो व्यूअर्स, इसमें हमने डाला है ऑयल और इसे गर्म कर लेंगे जी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। और इसे भून लेंगे इसके अंदर। ये देखें जी, इसी तरह से हम इसे इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देख लें, और इसे जो है ना ब्राउन करना है हमने। ब्राउन करके उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तो माशाल्लाह व्यूअर्स, ये देखें जी, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रही है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और इसकी भुनाई करेंगे। ये देख लें, इसी तरह से हम 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे।
ये देख लें, इसी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, तो इसे मिक्स करेंगे। ये देख लें, इसे हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे मसालों को। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी। ये देख लें, और इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी और ज़ीरा। इन चीज़ों को हम पकाएंगे 2 मिनट। जी तो व्यूअर्स, ये पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दाल जो अब हमने बॉईल की थी। इसी तरह से हमने बाकी दाल डाल देनी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें जी, मैंने इसमें दाल जो है ना वो डाल दी है। अब हम इसे पकाएंगे 10 मिनट। ये देख लें, इसी तरह से हम 10 मिनट इसे पकाएंगे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें जी, हमारी जो दाल है वो तैयार हो चुकी है। हम 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखते हैं जी, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, खुश्क है। ये देख लें, सिर्फ जो है ना दाल बची हुई है। ये देख लें, इसी तरह से हम इसे पकाएंगे बस थोड़ी देर और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ये देखें जी, ये ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब हम जो है ना फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे जो है ना गर्मा गर्म डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह, ये देख लें, पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, ये ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ये देखें जी, हमारी चने की दाल तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और रेसिपी में, तब तक के लिए